बीजेपी विधायक का विवादित बयान, अखिलेश मायावती पर सीधा वार, पहले किया अखिलेश के समाजवाद का खुलासा, फिर खोली मायावती की पोल। बात बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की हो रही है। सुरेंद्र सिंह बलिया जिले की बैरिया सीट से विधायक हैं। वैसे तो बलिया में बागी पैदा होते हैं, लेकिन बागी बलिया में ही पैदा होने वाले सुरेंद्र सिंह को बगावत नहीं विवाद पसंद है। उनकी जुबान खुलती है तो कोई ना कोई विवादित बात हो ही जाती है, या यूं कहें कि बीजेपी विधायक जानबूझकर हमेशा विवादित ही बोलते हैं। बुधवार को बीजेपी विधायक ने मुंह खोला और अपनी जुबान से अखिलेश मायावती को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे तहलका मच गया। बीजेपी विधायक ने अखिलेश को लेकर क्या क्या कहा, सुनिए। आज का समाजवाद लोहिया का समाजवाद नहीं है। जो जीवन भर फकीर की तरह से जिंदगी बिताता हुआ इस धरती से चला गया, आज का समाजवाद पूज्य जनेश्वर मिश्रा जी का नहीं है, जो कभी भी जीवन में अपने भाई भतीजा को भी राजनीति में आने नहीं दिए। आज समाजवाद कौन है? आज समाजवाद है वो समाजवाद है, ऐसा समाजवाद औरंगजेबी संस्कृति का समाजवाद। हम तो सुने थे कि मुस्लिम सल्तनत में पिता को गद्दी से जबरदस्ती जो है पुत्र हटा देता था, आज वर्तमान युग में मुलायम जी को हटाने वाला कोई बेटा है तो अखिलेश बाद का, अखिलेश जी का है। तब पिता को अपमानित करने वाला आज समाजवाद है, आज लोहिया का समाजवाद नहीं रहा। बीजेपी विधायक ने अखिलेश के समाजवाद की परिभाषा तो सुनाई ही, लेकिन मायावती को लेकर जो कहा वह बेहद ही विवादित है। बीजेपी विधायक ने मायावती को वैभव के लिए नाचने वाली देवी तक कह डाला। वैभव की दुनिया में नाचने वाली मायावती जी कहती है कि मैं हर दलित का कल्याण करता, दलित का कल्याण करता, कल्याण तो अपना किया, आप कहती है कि दलित का कल्याण करता। दलित का कल्याण कौन किया? दलित का कल्याण यदि वास्तव में किसी महान नेता ने किया तो अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने वाला मोदी ने किया, दूसरे किसी व्यक्ति ने नहीं। अखिलेश को मौकों पर औरंगजेब, मायावती को धन की देवी कहने वाले बीजेपी विधायक के इस बयान का काफी विरोध हो रहा है। बीजेपी विधायक ने ये विवादित बयान जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनके पैतृक गाँव जयप्रकाश नगर में दिया। बलिया से अखिलेश सैनी की रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।